तो आज हम बना रहे हैं चौलिस्तानी चिकन कढ़ाई, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। यहाँ हमने 1.5 kg चिकन लिए। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप चिकन कढ़ाई बनाएं तो उसे नॉन स्टिक पैन में बनाएं। चिकन को हम ऐड कर देंगे। हम इसे फुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ टोमेटोज ऐड कर देंगे। आपने अपनी चौलिस्तानी कढ़ाई में टोमेटोज ज़रा ज़्यादा डालने हैं। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक ढक देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम लेड उठाएंगे। और अपने टोमेटो से छिलके उतार लेंगे। अब हम 8 से 10 मिनट के लिए अपनी कढ़ाई को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमारे ऑलमोस्ट मिक्स हो गए हैं। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे मज़ीद हम भूनेंगे। उसके बाद स्पाइसेस में हमारे पास 1 टेबलस्पून क्रश ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 पिंच टर्मरिक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। मसालों को हम अंदर ऐड कर देंगे। हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें 4 टेबलस्पून प्लेन योगर्ट ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। और हमारी मज़ेदार चौलिस्तानी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसे हम पुदीने के साथ गार्निश कर लेंगे।